नारी शिक्षा पर अधिक जोर देने की जरूरत है। इसमें प्रगति भी हुई है, मुझे विश्वास है कि थोड़े ही समय में हम पूरे देश को साक्षर बनाने में सफल होंगे। दिल आदमी है, ऐसी फूल से बीबी और ऐसी देवी जैसी माँ को छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया, कौन से शहरी मेम के तलुए चाट रहा है। अरे मौसी, हरिया कह रहा था उस औरत को देखा है, फौजी के पांव की जूती के बराबर भी नहीं है। ऐसा मत कहिए माँ जी, ऐसा मत कहिए, वो आपके बेटे। अरे बेटा है, इसीलिए तो कह रही हूँ। ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई तुझे ताने देने वाला न हो। पर ये बात तो है, पढ़े लिखे की इज्जत बहुत है, अब अपने आप को ही देख लो। पहले कभी इंसान समझा था मुझे? जब जी चाहे दारू पीकर आ जाते थे और पीट देते थे। तू भी तो पहले सिर्फ लड़ती रहती थी, तभी तो मीठे बोल बोले थे इस घर में। मेरा तो ये मानना है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार शिक्षित होगा। जी, तो ऐसे में उसकी अपने परिवार में और समाज में उसकी स्थिति बेहतर होगी। आज हम अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हम साक्षर हैं, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में उनका सहयोग दे सकते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज समाज में हमारा एक स्थान है, पंचायत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। आज हमसे कोई भी काम करने से पहले हमसे हमारा निर्णय पूछा जाता है, हमसे सलाह ली जाती है, हमारे निर्णयों को माना जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारी ये भागीदारी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम साक्षर हैं, शिक्षा के महत्व को समझते हैं। और ये बदलाव आया कैसे? साक्षरता से। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ जागरूकता ये इतना क्रांतिकारी बदलाव लाई है। दीदी, आप इतना अच्छा भाषण दे लेती हैं, फिर आप पंचायत के चुनाव में क्यों नहीं खड़े हो जाते? हालांकि मैं ऐसा नहीं करने वाली, लेकिन मुझे लगता है कि अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर ऐसा कुछ करना भी पड़े तो महिलाओं को आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, ये बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो बदलाव आएगा कैसे? हमने कोशिश की, शुरुआत की अपने पढ़ने से, फिर बहनें जुड़ती गईं और आज देखिए गांव में कितने सारे लोग साक्षर हैं। ये बात तो है जी, आपने तो गांव की रंगत ही बदल दी है। मैंने नहीं, शिक्षा ने। आज हम जागरूक हैं क्योंकि हम शिक्षा के महत्व को समझ सके। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के इस अनमोल वरदान से वंचित हैं। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ईश्वर के इस वरदान से वंचित ना रहे, और खासकर बच्चे। ये हमें ध्यान रखना है कि गांव का एक एक बच्चा स्कूल तक पहुंचे। मुझे पता चला है कि गांव के बाहर जो कुछ कामगार मजदूर हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ काम पर ले जाते हैं। हमें शिक्षा के प्रकाश को उन तक पहुंचाना है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है उन बच्चों को स्कूल तक ले जाने की, स्कूल तक लाने की। इसी में हमारी शिक्षा की सार्थकता है, सफलता है। माँ, माँ, ये देखो। राहुल, दो मिनट सबर करो, मैं जरा इनसे बात कर रही हूँ। माँ, तुम्हें से दो मिनट बाद बात कर सकती हूँ। अच्छा, तो, अच्छा बता क्या बात है। ये देखो माँ। ये क्या है? ये नंबर देखो माँ। हाँ, नंबर देख लिया, क्या खास है? माँ, ये कोई साधारण नंबर नहीं है, ये मेरा रोल नंबर है। मतलब? मतलब वही माँ। राहुल, मैं पास हो गया हूँ माँ, मैं पास हो गया हूँ माँ, मैं पास हो गया हूँ। छोड़ छोड़, मैं गिर जाऊंगी। मैं पास हो गया हूँ मौसी, मौसी मैं पास हो गया। ये देखो मौसी। हाय दिया, गायत्री दीदी, कहीं ये बावला तो नहीं होगा, कहीं से किसी की नजर तो नहीं लग गई? आज मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा मौसी, मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश हूँ। राहुल, इधर आ मेरे पास। शाबाश बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। शाबाश माँ, आपका आशीर्वाद का फल है।
आज मेरे साथ साथ आपका इम्तिहान भी पूरा हो गया माँ। आज आपकी तपस्या सफल हो गई माँ। माँ ये खबर मैं काका को सुना कर आता हूँ। मैं चौधरी काका को सुना कर आता हूँ। अभी आता हूँ माँ। हाय भैया, कहीं बोरा तो नहीं गया? बोरा ही गया है, मगर आज उसके बोराने का दिन है। ऐसी कौन सी परीक्षा पास की है उसने? हाँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वो जो हमारे बड़े साहब आते हैं ना, अगर ये मन लगाकर मेहनत करता रहा तो एक दिन उनके ओहदे तक पहुंच जाएगा। हाय दैया, इतनी बड़ी परीक्षा पास की है उसने? अभी तो ये पहली परीक्षा है, अभी ऐसी कई परीक्षाएं पास करनी है उसे। माँ, आज मैं कितनी खुश हूं तुम्हें बता नहीं सकती। काश काश तुम यहां होती तो मेरी खुशी का अंदाजा जरूर लगा लेती, क्योंकि ऐसी ही खुशी तुम्हें उस दिन हुई होगी जब राहुल के पिताजी ने तुम्हें अपना परिणाम बताया होगा। आज मैं तुम्हें अपना परिणाम बता रही हूं माँ। माँ, ये तुम्हारी ही मेहनत, लगन और प्रेरणा का नतीजा है। मैं तो जिंदगी के पहले ही इम्तिहान में ठुकरा दी गई थी, फेल हो गई थी। ये तुम ही थी माँ जिसने हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठाया, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। ये तुम ही थी माँ जिसने पराए बेटी के लिए सगे बेटे को छोड़ दिया, पर मुझे भी इस रास्ते में छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया माँ। अपने लगाए पेड़ पर फल देखने के लिए आज तुम्हें होना चाहिए था। आज तुम होती तो कितनी खुश होती। और काश काश आज आपके बेटे यहां होते तो देखते कि उनका बेटा कितना लायक है, वो उनके जैसा सीरत में भी और लियाकत में भी। हाँ माँ। बेटा जरा ये दूध केंद्र तक दे। ला माँ, अभी जाते। बस थोड़े दिन की तकलीफ हो रही, फिर कहाँ पकड़ में आएगा तू? अरे माँ, तुझे क्या लगता है मैं अकेला जाऊंगा? अरे मैं अपनी माँ को लेकर जाऊंगा। ये तो जब तेरी बहू आएगी ना तब तुझसे पूछूंगी। हाँ पूछ लेना, अभी तो मैं दूध देकर आता हूँ। अगर देर हो गई ना, वो लोग चले गए तो तू फिर मेरे कानों में ठेगी। दूध यहाँ क्या खड़ा खड़ा दे आएगा? जाएगा नहीं? अरे बाप रे, जा रहा हूँ। एक मिनट गाड़ी रोको, पीछे लगे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहाँ जा रहे हो? सर ये दूध देने जा रहा था। अच्छा, तो दूध बेचने का धंधा करते हो? जी सर, वो शहर से गाड़ी आती है, वो गांव का सारा दूध ले जाती है। कितना दूध हर रोज बेच लेते हो? करीब 10 किलो तो हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, लेकिन सर आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ। दरअसल तुम्हारी अम्मा जी से कुछ काम था। माँ से कुछ काम था? हाँ, वो साक्षरता मिशन के संबंध में। जी वो घर पर ही है, जाइए सर। नहीं मैं यही इंतजार करता हूँ, तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम्हें काम करो, जाकर दूध दे आओ। नहीं सर, आप घर चलो, मैं लौट कर आता हूँ। पर जल्दी आना। मैं जल्दी आ जाऊंगा सर, इंतजार करूंगा तुम्हारा। जी मैं आता हूँ सर, चलिए मैं आता हूँ सर। चल।
नमस्कार। आप इस समय? जी आपसे कुछ बात करनी है। जी आइए आइए। मुझे जी मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। तुम यहां थी और मुझे भाग्य को खबर तक नहीं हुई। ऐसा क्यों किया मां तुमने? क्या कसूर था मेरा जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मां को क्या हुआ था गायत्री? बोलो गायत्री, मां को क्या हुआ था? देखो गायत्री, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं देवेंद्र, तुम्हारा पति और इनका बेटा। बेटे और पति का फर्ज तो आप निभा चुके। अब क्या लेने आए हैं आप? गायत्री, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, हम जैसे भी हैं अपने हाल पर बहुत खुश हैं साहब, हमें किसी की दया और सहानुभूति नहीं चाहिए। लेकिन गायत्री, आप कुछ पूछ रहे थे। मां को क्या हुआ था? बीमार थी। कब की बात है? 2 साल हो गए। मुझे याद करती थी, जुबान से तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों में हमेशा एक इंतजार बना रहता था, शायद आप लौटता है। कैसे लौटता गायत्री, कैसे लौटता? तुम लोगों ने तो लौटने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। आपको अगर लौटना था तो आप गए क्यों थे? शिकायत आपको मुझसे थी, मां से तो नहीं। गलती किससे नहीं होती गायत्री? और क्या गलती करके मुझे एहसास नहीं हुआ? इस एहसास के अब कोई मायने नहीं है साहब। जिस मां की आंखें चिता पर लेते लेते भी सिर्फ आपका इंतजार करती रही, वो मां नहीं है। मैं मां का गुनहगार तो हूं ही गायत्री, तुम्हारा भी बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कोई फायदा नहीं है साहब, कोई फायदा नहीं। ये सब बातें करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? हमें आपकी जरूरत थी, एक उम्मीद भी थी, शायद आप लौट आए। हमें आपकी जरूरत थी जब राहुल मेरे गर्भ में था। लोग मुझसे उसके पिता के बारे में पूछते, तब जरूरत थी हमें आपकी, तब आप आते और बताते कि मैं हूं इसका पिता। हमें आपकी जरूरत थी जब आपकी मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, तब आते और कहते कि मां मैं आ गया हूं। वो शायद आपको माफ भी कर देती। मैं आया था गायत्री, मैं आया था, लेकिन तुम्ही लोगों ने मिलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मुझे अकेला रहने पर मजबूर किया इतने लंबे अरसे तक, बिना मुझे मेरा कसूर मेरा जुर्म बताए चले गए तुम लोग। सजा हमने दी आपको अकेले रहने की? क्यों, पत्नी कहां है आपकी?
कौन सी पत्नी? वो जो शहर में है। गायत्री मेरी पत्नी तुम हो। हरिया काका कह रहे थे आपने दूसरी शादी कर ली। गायत्री ये सब झूठ है, सरासर झूठ। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता गायत्री। पर उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, पूछा भी था। आप उनके साथ कहीं बाहर जा रहे थे शायद, चार पांच महीनों की थी। गायत्री आंखें अक्सर धोखा खा जाती है, तो यही शायद हरिया काका के साथ भी हुआ। उस वक्त नीलिमा मेरे साथ काम करती थी और हरिया काका ने शायद नीलिमा को ही मेरे साथ देखा। दरअसल उस वक्त मैं और नीलिमा एक कोर्स करने के लिए माउंट आबू गए थे एक साथ। आप सच कह रहे हैं? हाँ गायत्री, मैं सच कह रहा हूं। मैं भी उस कोर्स पर जाने से पहले गांव आना चाहता था तुम सबसे मिलने के लिए, लेकिन मां ने मनी ऑर्डर वापस भेज दिया। मुझे ऐसा लगा मां बहुत गुस्से में है। मैं अगर माउंट आबू जाने से पहले गांव आया तो मां जिद करेगी कि मैं तुम्हें लेकर शहर जाऊं, और क्योंकि मैं 3-4 महीने के लिए माउंट आबू जा रहा था इसलिए मैं तुम्हें शहर अपने साथ ला नहीं सकता था। बस इसीलिए नहीं आया। फिर मन ही मन यह फैसला किया कि कोर्स करने के बाद मैं आऊंगा गांव। और जब मैं गांव पहुंचा कोर्स करने के बाद तो अरे भैया जी ये तो आप हैं। मैं ही हूँ आर्या काका। कहाँ चले गए थे भैया जी? मौसी और भौजी बहुत परेशान थी आपके लिए। अच्छा, पर ये दोनों हैं कहाँ? ये तो गांव छोड़कर चले गए। क्या, पर कहाँ गए? ये तो उनका मालूम नहीं, पर जब भौजी का पांव भारी हुए थे तो मौसी ने खत लिखवाया था आपको। हाँ मुझे मालूम है, वो खत मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। वो हम जानते हैं, क्योंकि जब खत का जवाब नहीं आया तो मौसी ने हमको भेजा था संदेशा देकर आपके पास। हम जब वहाँ गए तो पता चला आप किसी दूसरी औरत के साथ बाहर गए हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? गुस्सा काहे को होते हो भैया? हमने अपनी आंखों से देखा है आपको उस औरत के साथ कार पर सवार होते हुए। आपने ये बात यहाँ आके अम्मा को बता दी? ऐसी बात छिपती है क्या? ये बात तो सारा गांव जानता है। पर आपने ये अच्छा नहीं किया भैया जी, मौसी और भौजी के साथ कौशल्या जैसी माता और सीता जैसी पत्नी को छोड़कर। छी 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 छी, क्या मौसी ने यही दिन देखने के लिए आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया था? इस वक्त मैं आपके साथ में बहस करने के मूड में नहीं हूँ काका। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अम्मा और गायत्री ये दोनों है कहाँ? कहाँ ना, हम नहीं जानते। अरे तो फिर कौन जानता है? अजय भैया कोई नहीं जानता गाँव में, उन्होंने जाने के टाइम पे बताया किसी को नहीं। अरे काका आप नहीं जानते, आपकी जरा सी नादानी ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। फिर कोर्स से लौटने के बाद मेरी पोस्टिंग मॉस्को हो गई। 4 साल रहा वहां, वहां से वापस आया, एक नए सिरे से तुम्हारी और मां की तलाश करनी शुरू की, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। इस दौरान हिंदुस्तान में जगह जगह मेरी पोस्टिंग हुई, लेकिन हर वक्त तुम्हारी और मां की याद मेरे दिल में बसी रही। मैं बार बार अपने आप से एक ही सवाल पूछता था, मेरा कसूर क्या था? और मां, मां भी मुझे ऐसे छोड़ के चली गई बिना मेरा पक्ष जाने। और गायत्री तुमने भी मां को समझाने की कोशिश नहीं की। मैं कैसे समझाती? आपके जाने के बाद मुझे लगने लगा कि माँ की सारी तकलीफों की वजह मैं हूं। माँ की किसी बात का विरोध करना मेरे बस में नहीं था।
मैं तुम्हारा दोषी हूं गायत्री, मैं वो तुम्हारा दोषी। तुम्हारे अशिक्षित होने पर टिप्पणी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये सब उसी का परिणाम है। अब तुम अशिक्षित हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं पढ़ाया लिखाया, तुम मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं गायत्री, जवानी के जोश में अच्छे और बुरे के बीच फर्क को भूल गया था। मैं तुमसे नाराज होकर जरूर गया था गायत्री, लेकिन कभी सपने में भी यह ख्याल नहीं आया था कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ घर बसाऊं। अब क्या को नसीब में आपसे जुदाई लिखी थी, पर अब मुझे नसीब से कोई शिकायत नहीं। तुमने ये जो शिक्षा पढ़ाई लिखाई दूसरों से हासिल की है, वो मेरा फर्ज था, वो सब तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। आज मैं शिक्षा निदेशालय का निदेशक, शिक्षा के बारे में जगह जगह ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करता हूं। मैंने तरक्की की है, ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हूं, लेकिन तुमने जो तरक्की की है, तुमने जो मुकाम हासिल किया है, वो मुझसे भी कहीं ऊंचा है। मैंने कभी नहीं चाहा कि आपको नीचा दिखाऊं या आपसे मुकाबला करूं। आपसे विवाह करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जीवन में शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है। पहले अनजान थी तो आपको खो दिया था, जब ज्ञान मिला तो मुझे जीने का मकसद मिल गया और साथ साथ एक काम भी। अज्ञान ने आपको मुझसे दूर कर दिया था और ज्ञान फिर से आपको मेरे पास ले आया है। राम बेटी, ये तुमसे मिलने आए। हाँ माँ, मुझे सर रास्ते में मिले थे, कह रहे थे कि आपसे मिलना है। हाँ बेटा, मैं आप दोनों से मिलने के लिए आया हूं। राहुल, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि हम बताया था कि आप हमारे पापा हैं। अरे तू पगले, सर क्यों कहा तूने? पापा बोलना, बोल पापा। भाइयों और बहनों, शिक्षा जीवन का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। शिक्षा हमें धैर्य का गुण भी प्रदान करती है, जीवन जीने का एक नया नजरिया सिखाती है, और अगर आप लोग शिक्षित हैं तो आप अपनी आजीविका बेहतर ढंग से कमा सकते हैं। और आज हम सब लोग जो शिक्षित हैं, अगर हम यह प्रण कर लें कि हम अशिक्षित लोगों को शिक्षा देंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अशिक्षा के इस अभिशाप से मुक्ति पाने में कोई देर नहीं लगेगी। देखिए, शिक्षा के इस महत्व को पहचानना बहुत जरूरी है। आज हम सब जो शिक्षित लोग हैं, अगर हम यह प्रण कर लें कि हम शिक्षा का प्रचार और प्रसार करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अशिक्षा के इस अभिशाप से मुक्ति मिलने में देर नहीं लगेगी।
और इस संकल्प की हमें प्रेरणा लेनी चाहिए गायत्री देवी से। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं ही गायत्री देवी का पति हूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों का बिछड़ा परिवार मिल गया, लेकिन इसके साथ साथ गांव वालों की चिंता भी बढ़ गई। किस बात की? इस बात की कि आप हमें छोड़कर चली जाएंगी। ये आप लोगों से किसने कहा कि मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी? ये गांव मेरा घर है, कोई भला अपना घर छोड़ के जाता है? और फिर अब ये गांव तो मेरा घर भी हो गया। आपने तो गांव वालों के सर से चिंता का बोझ उतार दिया साहब। बहन जी, एक विनती और थी आपसे। ठीक, कहिए। वो क्या है कि सरकार ने ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए किसी महिला को आरक्षित किया है, और हम सब गांव वाले यही चाहते हैं कि आप उस पद पर चुनाव लड़ें। मैं? जी। हम सब यही चाहते हैं कि आप ही गांव के मुखिया बने। हाँ, यही चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी। गायत्री, तुम संभाल लो। हाँ, देखो तुमने अपनी काबिलियत को साबित किया है, इन सब लोगों का विश्वास जीता है तुमने। इनके विश्वास और तुम्हारे निश्चय के चलते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम कभी भी अपने रास्ते से भटकोगी नहीं। ठीक है, यदि आप सबका यही निर्णय है तो मुझे मंजूर है।